शेख जी, शेख जी, शेख जी। वाह क्या मैं भैरा हूँ, बोल क्या बोल रही है? बात ये है, रोटी रखी है, कुत्ते को देखते रहे ना। बस दुकान जा रही है, खुद देख ले, मेरे बस की नहीं ऐसी रोटी करनी। मुझे अंदर से सब्जी लानी है, अब्बू को खाने नहीं देना, तुम कुत्ते को देखते रहना। ठीक है, कुत्ते को देखता रहूंगा, और तो कुछ नहीं करना। और कुछ नहीं करना है, तुम यही कर दो तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा मुझ पर। ठीक है, देखता रहूंगा। जा तू अंदर। शेख जी, यहाँ से रोटी कहाँ गई? रोटी? पर रोटी से कुत्ता ले गया। कुत्ता ले गया? तुमने उसे देखा नहीं, उसे रोका नहीं? चिल्ला मत। चिल्लाऊं क्यों ना, कुत्ता तुम्हारी आंखों के आगे से रोटी ले गया, अब मैं अब्बू को क्या खिलाऊंगी? मैं अब्बू को खिला दे, खेत में से लाकर मोटे मोटे डले। मैं जो तूने मुझे कहा वो मैंने किया। तुम कुत्ते को धमका नहीं सकते थे क्या? हाँ, तुम कुत्ते को धमका नहीं सकते थे? बस हाली तू ही तो कह गई कि कुत्ते को देखते रहना। अगर तू मुझसे कह जाती कि कुत्ते को धमका देना, मैं साले को डलिया तक झांक कर मिल देता उसे। या अल्लाह, मेरे तो भाग ही फूट गए, ना कुछ करना ना कुछ धरना, अब्बू की कमाई यूं ही कब तक खाते रहोगे? साले चुप हो जा, वरना तेरे साथ कुछ भी कर दूंगा। कभी ना कर सको, दिखाओ करके। रह जा। बिल्कुल भी ना रहूं। पिटाई मांगेगी? मांग रही है पिटाई? कभी ना करो। अच्छा, ज्यादा बोलेगी? बोलूंगी। फालतू मत बोले। मैं ऐसी बोलूंगी। अच्छा, फालतू बोलेगी साले, फालतू बोलेगी। शेर के लिए जीवन लड़ाई साले, जान मार साले। ये ले जीवन लड़ाई, शेर के लिए जीवन लड़ाई, फालतू बोलेगी, फालतू बोलेगी, फालतू बोलेगी। अम्मी, अब्बू। क्या हुआ रखसाना बेटी, क्यों रो रही है? अरे बेटा रखसाना, क्यों रो रही है? अरे रोटी वोटी पकाई नहीं? हाँ अब्बू, रोटी तो मैंने पकाई, लेकिन रोटी कुत्ता खा गया। कुत्ता खा गया? फिर तू क्यों रो रही है? मुझे शेख जी ने बहुत मारा। बे वो हराम जादा, बे करना ना धरना, अब भौ को साला खामे खा मारता रहे, वो उल्लू का पट्टा। हराम जादा करता ना धरता, हमेशा बहू को पीटता रहे है। अबे हराम जादे ने आज तक हमें तो ठंडी पीना दी कमा के, कम बखत ने। जब तुमने काम सिखाने को लगाया तो पैसे कहाँ से आ जाएंगे? अरे बेटा रुखसाना, मैंने तो उसे इसलिए फोटो की दुकान पर लगा दिया था कि कोई मेहनत तो है नहीं, बैठा बैठा फोटो खींचता रहेगा। अरे मन ने कोई बुरा कर दिया था? अरे मैंने तो आज तक तेरी अम्मी का एक रैपट भी नहीं मारा। तुम तो रहने दो, दोनों के दोनों एक नस्ल के हो। एक नस्ल के है? हाँ एक नस्ल के। बे मान जा, कहीं को अंगारे फेंक रही इधर को। फेंकूंगी। ना माने? ना मानती ना। बे देख ले, मान जा। ना मानती ना। नहीं मानती? ना मानती ना। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? हाँ क्या कर लोगे? अभी तुझे पता नहीं लगा मेरा लौंडा क्या कर गया? क्या कर गया? क्या कर गया? हाँ। बेटा रुखसाना, जरा इधर को आ जा, इसे बता दूं कि जलालुद्दीन का जलाल कैसा है। बोलती है हाय हाय, मार दिया रे, हाय हाय, मुझे तो मार दिया। अम्मी तुम क्यों बोली? हाय हाय हाय। उस्ताजी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय, कैसा हरक्षी चला रहे हो? तेरी करनी को भर रहा हूँ। मेरी करनी को भर रहे हो? क्यों, क्या बात हो गई? ये देखो ये देखो, अरे ये तूने फोटो बिगाड़ दिए और उसने मेरी सूरत बिगाड़ दी और पैसे दिना दिए। भैया शेख चिल्ली, मुझे माफ कर दे और अपने तू कहीं भी खा कमा ले, अपनी दुकान तू अलग कर ले, नहीं तो मुझे अपनी दुकान बंद करके जाना पड़ेगा। दुकान बंद करके जाना पड़ेगा? हाँ। उस्ताद जी मेरे पे इतनी तोहमत क्यों लगा रहे हो? रही दुकान बंद करने की बात, ऐसा करो तुम भी अपनी दुकान कहीं और ले लो, ये दुकान को मैं रख लेता हूँ, अब्बू से पैसे दिला दूंगा तुम्हारे सामान के। ठीक है ठीक है ठीक है, खड़े हो।
हटो तो बैठन दो खड़े हो, ठीक है हम पैसे बाबू से जुवा देंगे। हाँ बेकार की, अब हम झेलेंगे। भाई ये फोटो वाला कौन है? क्या काम है जी? चुप करो, मालिक तुम हो या मैं हूँ? अब तो मालिक तुम ही हो। भाई जब मालिक ये है तो तू क्यों बोल रहा? भाई मैं भाई जान ना बोल रहा था, बीच में एक ही तो आदत है। तुम अपना काम करो, आओ। क्या? हाँ बोलो, क्या काम है? भाई मुल्ला जी एक फोटो से फोटो बनवानी है, बना दोगे? और बैठे काय के लिए बना देंगे। हाँ तो ये बात तो ठीक है। तो ये देखो, ये मेरे पिताजी की फोटो है, इस फोटो से फोटो बननी है। ठीक है, बन जाएगी तुम्हारे पिताजी की फोटो। अब तुम ये बता दो इसके पैसे कितने लगेंगे? पैसे तो भाई देखो, फोटो से फोटो बनाना बहुत मुश्किल काम है। हाँ बहुत कड़ा काम है ना। हाँ वैसे तो पैसे कम लगे, मगर 100 रुपए लगेंगे। ठीक है 100 रुपए दूंगा, लेकिन एक बात बता दो ना आपको, मेरे पिताजी की काली जुबान थी। मैं काली हो या पीली हो या नीली हो या धोली हो, मुझे तो फोटो से फोटो बनाना, मुझे फोटो बनाना तुझे पैसे देने। ठीक है बनाओ, पर एक बात सुन लो मेरी मुल्ला जी। हाँ मेरे पिताजी यूं कहते थे कि बेटा किसी से भी मेरे फोटो से फोटो मत बनवाना, अगर जो मेरे फोटो से फोटो बनाएगा तो वो बहुत पछताएगा। बहुत पछताएगा? मैं तेरा पिताजी का आतंकवादी था या कोई डाकू था? और फिर बड़े शरीफ आदमी थे वो तो। बस ठीक है तो फोटो बन जाएगी, फोटो तो चाहिए तुझे, फोटो बना दो। 100 रुपए दे। आए पहले दूं? पहले दे दे, बात खत्म कर। पहले ले लो, हमें तो पैसे देने, देख लो 100 का। ठीक है ठीक है। अब ऐसे चिल्ली मत बना इसे। क्यों? ये क्या पता ठीक ही कह रहे हो, क्या पता इनकी बात सही हो जा। क्यों सही क्या बात? फिर पछताओगे। मैं पछताऊं या कुछ भी करूं, तुम ना काम करो, अपने घर जाओ, दुकान पे चल, मालिक हमें पछताएंगे। फोटो बनाओगे कैसी, एक आध दिखा दो मुझे। मैं फोटो देख, ये देख नमूना देख, ऐसे बनाऊंगा फर्स्ट क्लास फोटो। हाँ ऐसी बना दियो तो देखता रहे, मैं बना रहा हूँ। और कोई फोटो लग रहा है तुम्हारी दुकान में या नहीं? शेख चिल्ली अगर मेरी फोटो से फोटो बनाएगा तो मुसीबत में फंस जाएगा, बहुत बुरे दिन देखेगा। क्यों छेड़ रहा सामान को, अभी तक दुकान के पैसे भी नहीं गए। अबे देखिए तो देख ले जी, बैठा रहे फोटो लेने बैठा रहे, फोटो न देने को तेरे को। मैं तो बाप का फोटो बनवाना आया, मैं सामान छेड़ रहा, एक भी सामान मत छेड़ दिए। पहले पैसे दे दिए, इसने कर लाओ। अकड़े मत, फोटो तैयार होने वाला तेरा, कर दो। कुछ छेड़ मत दिए। मैं छेड़ रहा मैं। फिर छेड़ रहा। भाई बहुत बढ़िया फोटो बन गए तेरे, ये तो तेरा फोटो है और ये फोटो है, अपने को ले और ले जा भैया। अबे हाँ दोनों एक सी लग रही हैं। और दोनों एक सी होंगे, और क्या तेरा बाप को बदल देता मैं। वो तो है। चलो अच्छा, मुझे कभी जरूरत पड़ जा तो मैं आ जाऊं। हाँ परिवार के परिवार को लाओ, शादी के खींच और परिवार का तो मैं मंदा खींचता हूँ, पूरा परिवार एक में खिंचवा लो, एक के भी इतने पैसे। और शादी के? और पूरी शादी का तो बिल्कुल डिस्काउंट भाई, कम में ही करता हूँ, आधे में ही। कल को ही आ रहा हूँ मैं तो, तू तैयार रही हो। ठीक है निकल लो। उस्तादी जाते सोरे कमानी है, मसाला को दे दूंगा। रहीम फोटो वाला, आज रहीम फोटो वाला खत्म। कल से दुकान पे दूसरा बोर्ड दिखेगा बेटा, शेख चिल्ली फोटो वाला। रहीम भी उतार दूंगा साला, बोर्ड को उतारूंगा पहले। अम्मी अब्बू देखो आज से जी 100 रुपए कमा कर लाए हैं, ये लो। देखा बेटा रुखसाना, तू कहती थी ना कि उसे कैसे काम पे लगा दिया, अब मेरा सेकू ऐसे नोट कमा के खूब लाएगा।
और हम सब मिलके मौज उड़ाएंगे खूब। शेख चिल्ली फोटो वाला, अरे शेख चिल्ली ने तो बॉडी बदल दिया और पैसे अब तक दिए नहीं। ठीक है आने दो भाई साहब, फोटो खिंचवाना है हमको। बैठो भाई, अब ये दुकान मेरी नहीं है, आने वाले हैं मेरे चेले की है। कितना टाइम लग जाएगा उनको? बस आने वाले हैं, बैठो। बहुत जल्दी बनवाना है सर हमको। भाई बैठो तो सही, आने वाले हैं। उस्ताद जी यहाँ कैसे बैठे हो? सलाम न दुआ, आ रहे हो यूं ही उठे? हाँ दुआ सलाम वाली, ग्राहकों को भगा रहा बैठा हुआ। पैसे तो दो मेरे, अब तो वादा हो गया तुम्हारा। पैसे ईद के बाद दूंगा, रमजान चल रहे, निकलो। ईद के बाद देंगे पैसे? कितने दिन हो गए और क्या ही वादे कर? हाँ अरे अब झांक मत जाना इधर को, ईद तक निकल लो। दे ही दियो। मैं निकल लो, दे ही दियो। हाँ बता रहा हूँ, दे ही दियो। ग्राहकों को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा। हाँ ये बोलो। शेख जी हमें फोटो बनवाना है अपने दोनों के। फोटो बन जाएंगे? अभी अर्जेंट में बनवाना है। अर्जेंट में चाहिए? वह फोटो तो मैं खा दूंगा, मगर फोटो तुम्हें घर जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। अर्जेंट में अभी चाहिए हमको। अर्जेंट में चाहिए? ठीक है तो आ, इधर आ, बैठ 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 भाई बैठ। चल में कर ऐसे, अरे हाथ को ऐसे ला कान पे को, ये अब उठ उठ, अब बैठा रहेगा। उठ तो रहा हूँ। खड़ा हो तो इधर। इधर देख, देख सीधा 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 सीधा, ए देख मुस्कुरा जरा सा मुस्कुरा। हाँ ये ठीक है, चल इधर बैठ आ। हंस का खिंचवाएगा डार्लिंग को, देगा फोटो। ठीक है भैया, फोटो तो तुम्हारे खींच गए, मिलेंगे कल भाई। सीखिए आज ही दे देते। आज नहीं मिलेंगे, मुझे क्या करना, मुझे देने। कल सुबह सुबह आ जाना। सुबह सुबह आ जाऊंगा। सुबह सुबह आ जाना। ठीक है, सुबह सुबह आ जाना और पैसे लेकर। कितने पैसे लाने हैं? 100 रुपए बस, दोनों के 50,000 रुपए होते हैं। बस बस ठीक है, ठीक है, आई जाना सुबह सुबह, कभी कभी लौटे मिलो। हाँ भाई। अबे लोग इकट्ठे से हो रहे हैं। अरे भाई मरा कैसे? भाई ये तो मैं नहीं जानता, पता नहीं कैसे मरे, भगवान की मर्जी। त्यागी जी क्या बात है, कैसे इकट्ठे से हो रहे हो? शेख जी लड़का मर गया। लड़का मर गया? मैं कैसे मर गया? पता नहीं शेख जी कैसे मर गया, फोटो खिंचवाने से मर गया। हमारी एक बात समझ नहीं आ रही, अभी थोड़ी देर पहले मोदी नगर से आया मेरे साथ, लड़का बहुत बढ़िया था जी। शेख जी नहीं फोटो की बात कर रहे हैं, खिसक ले बेटा वरना तेरा नाम आ जाएगा, खिसक ले। यहाँ भी भीड़ हो रही है या क्या? माजरा था रे नाथ पर दिखे गाँव का। बा भाई जान कैसे इकट्ठे से रहो, क्या बात है, खैरियत तो है? अरे भाई एक फोटोग्राफर ने एक लड़के की ऐसी फोटो खींची कि लड़का फोटो खींचते ही मर गया। फोटो खींचते ही मर गया? अब उसे ढूंढने गए हैं लोग बाग। ढूंढने गए लोग बाग, मगर क्यों गए? बस पकड़ के पुलिस को देना है, साले को जेल करवानी है। जेल करानी है? उसका क्या कसूर है? बेटा शेख चिल्ली यहाँ फोटो की चर्चा, तेरा नाम ना जा, निकल ले घर, पहुँच ले जल्दी। देख भाई बहुत बुरा हुआ अल्लाह, ऐसा ना हो साले मेरे फोटो कैसे मर गए। अल्लाह बचा ले, बचा ले अल्लाह, भी बचा ले। शेख जी क्या बात है, कैसे सांसें चढ़ रही हैं तुम्हारी? बेटा अगर रुखसाना को बतला दिया तो सबको पता चल जाएगा, चुप रहने में ठीक है बेटा। शेख जी क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, ले 100 रुपए अम्मी को दे दी जाके, रोटी लिया। 100 रुपए या अल्लाह, ठीक है अभी लाती हूँ। सालो मैं डरने वाला नहीं हूँ, अबे मेरी का दुकान मरे साले, अपने घर जाके मरते हैं। हमारे पूरे डिपार्टमेंट का सर शर्म से झुक जाएगा अगर हमें डाकू भीम सिंह नहीं मिला तो। देखो इंस्पेक्टर उत्तम, यह इलाका आपके अंडर में आता है, अगर यह काम आपके बस का नहीं है तो यह जिम्मेदारी मैं इंस्पेक्टर मनोज को दे दूं।
सर, ये जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। सर, इस बार हमारे हाथों से डाकू भीम सिंह नहीं बच सकता, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के तेज तर्रार इंस्पेक्टर जॉन और हवलदार शफीक शामिल हैं। सर, हम अपनी जान दे देंगे पर डिपार्टमेंट पर कोई आंच नहीं आने देंगे। सर सर, हम आपको आश्वासन देते हैं कि डाकू भीम सिंह को हम जरूर पकड़ेंगे। शाबाश, मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी। आपको हर वो सहायता मिलेगी जो आपको चाहिए। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। बाबा, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि 10 मिनट में 2 लड़के मर कैसे गए। बेटा, मैंने सुना है फोटो खिंचवाते ही मर गए। अजी छोड़ो बाबा, तुम भी कैसी बात करते हो, फोटो खिंचवाने से भी कभी कोई मरता है, ये क्या बात हुई? अभी तू बच्चा है, हमने जमाना देखा है, ऐसा हो भी जाता है। जैसी जवानी मेरी चाल मस्तानी, तुम्हें कदर ना जानी रामा, ऐसे खूब। हाय मेरे शेखू। अबे कौन है? ओए जरा सेवा तो कर लेंदे। होगी सेवा? तारा भाई कैसा आई? ऐसे ही आई थी। मेरे भाषण, तू शाम को आकर 2 रुपए ले जिए। अरे कौन पैसे मांग रहा है मुए? मैं तो फोटो खिंचवाने आई हूँ। छेड़ रही है? अरे मेरे राजा, एक मेरी जवानी की फोटो तो खींच दे। हाँ खींच दूंगा, पर अगर इधर 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 भी आ गई, क्या करेगा? मैं कुछ नहीं करने वाला, मेरे तो रोजे चल रहे हैं। अरे रोजे का क्या, रोजे को तो छोड़, रोजे तो मुंह के चल रहे हैं। अरे मैं तो फोटो खिंचवाने आई हूँ। अच्छा अच्छा, फोटो खींचा तो बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, मुझे कितना करेगा मगध, बैठ 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 बैठ, ऐसा क्यों देख रही है तू? अरे फोटो तो खींचना। कितने पैसे लेगा? तेरे पे तो मेरी पूरी जवानी कुर्बान है। कुर्बान मत कर, तू मेरी माँ, एक भी मत दिया फोटो खिंचवा ले। जल्दी फोटो खींचना, बहुत अर्जेंट है। अर्जेंट है? तुरंत चाहिए। तुरंत चाहिए? लोट पोट ना हो जा, कैसे हाँ जल्दी करना। खेच देता हूँ, मेरे फोटो खेचने से थोड़ी मर रहे हैं, गाँव वाले तो किसी और की बात कर रहे होंगे। ओए जल्दी करना, क्या सोच रहा है शेखू? कुछ नहीं सोच रहा, कुछ गति की कर रही है। तारा भाई एक बात सुन ले, बदतमीजी नहीं, मैं पर रहा मेरे को मारेगी, मेरे को मारेगी। तारा भाई तेरी फोटो खींचो, तुम्हारे में से बहुत जल्दी निकल जा। तू करना जल्दी, यहाँ बैठ 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 बैठ। ओबे ओबे ऐसा खिंचवाएगी? ओबे नजर तिरछी कर रही है, कम मगज फोटो को दाम रही है। अरे मैं रुकने के लिए थोरन पैदा हुई हूँ, समझा? अरे खींच ना, मैं एक जगह बैठ जा, फोटो खींचने का ना हूँ। ले अच्छा कर, कैसे कर रही सारी दवातों को दबा रही है। हाँ हो गया हो गया। अरे मजा नहीं आया। हो गया, चल हो गया, वहाँ बैठ। क्यों अकड़े जा रहा? चलो वहाँ बैठ, तेरे गोद में ना बैठ। ना वहाँ बैठ जा, कम खा भगा रहा बा, मेरी माँ बैठ जा पहले, तो मैं बैठ जा, कम खा बा, मेरा रोया चल रहा, वहाँ बैठ जा। ईद के बाद कुछ भी कर ली तू मेरे साथ। मुझे सेखू, तूने तो आज मूड खराब कर दिया। देख बात सुन, अर्जेंट तो नहीं चाहिए तुझे, यहाँ बैठ जा और अंदर बता जियो। और तू आ, फोटो बना के ला रहा हूं, अंदर बता जियो। जी भी तो ले चल अंदर। अबे मैं फोटो नहीं बना, अर्जेंट में नहीं बना, चल अर्जेंट में बना नहीं रहा मैं, अंदर आ गई ना तो देख लिए। अबे कैसे कैसे कर रही है, ईद के बाद चाहे आ जाइए। मुआ मन तो अभी हुआ था, ईद के बाद बुला रहा। ले बन गई अर्जेंट में, बन गई तेरी फोटो।
बस होगी तारा भाई, मैंने पहली मना करी ईद के बाद। ईद के बाद रोजे चल रहे हैं? हर लेट गई, खड़ी हो जल, ले फोटो देख अपना। वे तारा भाई, वह उठी ना रही? हाँ मुझे बता, तू मेरे से मजाक करती है। उम्मीद है उम्मीद मर गई एक्चुअली फोटो वाला बेटा नाश होने वाला, किसी को बुलाता हूँ। वह भाई जान, वह अलमो, वह शकील। शेख जी क्या हो गया? मैं हो गया क्या? तारा भाई बेहोश होगी, पता नहीं कैसे बेहोश होगी। शेख जी ये तो मर गई। मर गई? भाई ये कैसे मर गई? ये तो आपके फोटो खींचने से मर गई। भाई साले लपाटा मारूंगा, मेरे फोटो खींचने से क्यों मरती? क्यों, आपकी फोटो खींचने से अली मसूर का लड़का मर गया, अकरम का, और वो जहीर भी खत्म हो गया था। अच्छा मेरे फोटो खींचने मरते हैं? आपके फोटो खींचने से। वो कैसे मेरे चेले पे इल्जाम लगा रहे हो तुम? इल्जाम लगा रहे हैं? हाँ। आप फोटो खिंचवा के दिखा दो। नहीं मैं फोटो नहीं खिंचवाना। अपने चेले से फोटो खिंचवा लो। नहीं मैं नहीं। क्यों खिंचवा ले? मैं अपने उस्ताद का फोटो नहीं खिंचवा। मैं नहीं, मैं नहीं खिंचवाना। सब पकड़ो मिलके, खिंचवा फोटो। मैंने खिंचवाना का फोटो? सही जी, मैं नहीं खिंचवाना का फोटो। मैं अपने उस्ताद जी का फोटो नहीं खिंचूंगा। क्यों नहीं खिंचोगे अपने उस्ताद जी का फोटो? और बता दो इन लोगों को, ये लोग गुरु जी मुझे माफ करना, मैं खींचता हूँ। शेख जी ये मर गए ना, देखो ना आपके उस्ताद जी थाने जाएंगे। वो भी मर गया था, अकरम का लड़का, ये भी मर गई, सब हम थाने जाएंगे। चलो 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 सब चलो, अभी चलेंगे, अभी जाएंगे थाना जाके, अभी बंद कराएंगे, चलो। ओ उस्ताद जी कहाँ फंसवा दिया? सोचो इंस्पेक्टर जॉन, कुछ सोचो। सफीक मियां कुछ सोचो। सारे मिलकर सोचो। डाकू भीम सिंह को पकड़ने की कुछ तरकीब सोचो, वरना हम सबकी वर्दियां उतर जाएंगी, वर्दियां। हजूर आपसे अच्छा और कौन सोच सकता है? हाँ वो तो ठीक है। दरोगा जी राम राम। राम राम भैया, राम राम। कैसे आना हुआ? हजूर हमें शेख चिल्ली से बचा लो। क्या कहा? शेख चिल्ली से बचाओ? क्या कोई नया डाकू पैदा हो गया आ गया? नहीं हजूर, शेख चिल्ली जिसकी फोटो बनाता है वो मर जाता है, फोटो से फोटो बनाता है तो भी मर जाता है। क्या बकवास कर रहे हो? किसी का फोटो खिंचवाने से कोई कैसे मर सकता है? मर रहे हैं हजूर, मर रहे हैं। आपको यकीन नहीं है तो अपना फोटो बनवा के देख लो। क्या कहा? हमारा फोटो? नहीं नहीं साहब जी, आप अपना फोटो मत बनवाना। क्या सफी मियां डरते रहते हो? सर आप अपना फोटो बनवा लीजिए। नहीं नहीं मुझे फोटो बनवाने का कोई शौक नहीं है। सर इनकी छोड़ो, कुछ गांव वालों के बारे में सोचो। कहीं गांव वाले सच तो नहीं कह रहे? आज मौका देता हूं। हुजूर क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, आप एक काम करो, हमारे कुत्ते का फोटो ले जाओ और इसे बनवा के लाओ। ठीक है हजूर, अभी बनवा के लाता हूँ। जाओ। बैठ बैठ। शेख जी इस फोटो की फोटो बना दो। बा भाई जान तू अपने घर को जा, बा मैंने फोटो बनानी बंद कर दी। बा जिसके फोटो खींचता हूँ वो साला पता ना कैसे मर जा, लोग सारे इल्जाम मुझ पे लगाते हैं। पर शेख जी ये तो कुत्ते का फोटो है। कुत्ते का फोटो है? दिखा। ठीक है बना देता हूँ, पर 100 रुपए लगेंगे। ठीक है ठीक है बेटे, मैं कैमरा लिया अंदर से। ठीक है बना देता हूँ तेरा फोटो। कुत्ता भी अली से है भाई। ये देख, यही है ना? देखा देखा देखा, अभी बाहर निकल आएगा। ठीक है अभी लाता हूँ मैं। ले भाई
ये तेरी फोटो और ये इसी फोटो। ठीक है, ठीक है शेख जी, निकल ले बेटा। और ऐसा कुत्ते का बनवाना है तो शेख चिल्ली को क्या काम है। ये लो हजूर फोटो बनवा लाया। हजूर रो क्यों रहे हैं? साहब का कुत्ता अचानक ही मर गया। कुत्ता मर गया? अब यकीन आया? उधर फोटो बनवाया, इधर कुत्ता मर गया। ठीक है भाई, तुम्हारी बात का मुझे यकीन आ गया। तुम लोग एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे शेख चिल्ली हर कीमत पर चाहिए, चाहिए तो चाहिए। कहाँ मिलेगा शेख चिल्ली? यार मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, लोग मेरे फोटो खींचने से मर रहे हैं या मेरे पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? मेरा फोटोग्राफी का काम बंद कराने के चक्कर में हैं या अपना मर रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। या अल्लाह कुछ बतला दे, दिमाग बतला दे, कुछ दे दे अपने शेख चिल्ली का दिमाग, कुछ कैसे बतलाऊं या मेरे मौला। ओबे ओबे कीड़ा जा रहा। ठीक है इसका फोटो बना के देखता हूँ। ऐसे अब पैर बनाता हूँ, बन गया। ओबे ओबे कीड़ा तो मर गया। या मेरे मौला मुझ पर रहम फरमा, ये तूने मुझे किस मुसीबत में फांस दिया मेरे मौला, मुझे बचा ले, मैं किसी को मारना नहीं चाहता। सर हम शेख चिल्ली को तो पकड़ने जा रहे हैं, पर तुमने सारे हथियार तो मालखाने में जमा करवा दिए, इसका मकसद कुछ मेरी समझ में नहीं आया सर। अगर मैं तुम्हें हथियार देता, शेख चिल्ली भागता, तो तुम उसे गोली भी मार सकते थे। और मुझे शेख चिल्ली जिंदा चाहिए, जिंदा, इसका मकसद मुझे पता है। चलो चलो शेख चिल्ली, शेख चिल्ली, शेख चिल्ली, दरवाजा खोलते हो तोड़ दूं। अब्बू मुझे तो गेट पे कोई लग रहा है। इतना टाइम ना है, नहीं तो गेट तोड़ देंगे। आवाज तो आ रही बेटा, मगर आवाज कोई जानी पहचानी तो है नहीं। अब्बू गेट तोड़ने के लिए भी कह रहे हैं। गेट तोड़ने के लिए भी कह रहे हैं? अरे बेटा मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस की आवाज हो। पुलिस की? शेख जी, शेख चिल्ली दरवाजा खोलो। चलो चल के देखते हैं। चल बेटा दरवाजा तू खोलियो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। ठीक है अब्बू। चलो 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 बेटा चलो। दरवाजा खोलो शेख चिल्ली। इंस्पेक्टर जॉन कम ऑन, कोई जाने ना पाए। कहाँ है शेख चिल्ली? वो तो यहाँ पर है नहीं। कहाँ गया है? पता नहीं कहाँ गए। क्यों क्या बात हो गई? हम यहाँ कुछ बताने नहीं आए, शेख चिल्ली को पकड़ने आए हैं, पकड़ने। मगर दरोगा जी उसने किया क्या है? अरे कुछ हमें भी तो बताओ। तू चुप कर बुड्ढे, ये तेरा काम नहीं है, तू सिर्फ इतना बता कि शेख चिल्ली कहाँ है। दरोगा जी आखिर उसने किया क्या है जो उसे पकड़ने आए हो? अरे हमें बताओ। तू चुप कर। अबे पता तो तुझे जब चलेगा, जब तेरा लोंडा 7 साल जेल में रहेगा। अजी जनाब मैं तो चुपी हूँ, अरे कम से कम मुझे ये तो बताओ कि क्या किया मेरे बेटे ने, ऐसा कौन सी आफत का काम कर दिया? जैसे ही शेख चिल्ली घर आए उसे थाने भेज देना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। ठीक है जनाब, जैसे शेख चिल्ली घर आएगा मैं उसको लेके आ जाऊंगा। फिर ठीक है, अब हम जा रहे हैं। चलो भाई चलो। अम्मी मेरी समझ में ये नहीं आया हमारे घर पुलिस क्यों आई। कोई हराम ज्यादा बताएगा। आ गया तू? ओवे वाह क्या बात है, तुम दोनों कैसे चुप बैठी हो? चुपकी सुन ले, यही काम रह गया था बाकी जो पूरा कर दिया हरामजादे। अम्मी रुखसाना, अम्मी मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से तुम्हारा सर झुके, तुम्हारे पे कोई परेशानी आए।
फिर पुलिस क्यों भागी फिर रही है तेरे पीछे? पुलिस? हाँ। ये क्या कह रही है अम्मी? हमारे घर पुलिस कैसे आ गई अम्मी? अम्मी अम्मी तुम ठीक तो हो ना? ठीक तो हो ना अम्मी? अम्मी पुलिस पर पुलिस कैसे आ गई? पुलिस बेटा से एक चिल्ली ये खबर तो पुलिस तक पहुंच गई, अब क्या होगा? शेख जी क्या सोच रहे हैं आप? पुलिस आपके पीछे है, कभी भी आ सकती है, तुम यहाँ से भाग जाओ। ठीक है अम्मी, रोजाना सही कह रही है, मैं निकल लेता हूँ मैं। शेख जी दरवाजे पे से नहीं दीवार पे से कूद जाना। ठीक कह रही है, दीवार से जाता हूँ। रुखसाना वह कहाँ घुस रही है, गिलास पानी लाना। शेख जी लो पानी। शेख जी तुम्हें कहीं पुलिस तो नहीं मिली? पुलिस मिली मगर साली को मुश्किल से चकमा देकर आया हूँ। चकमा दे तो आए ना, अब दुकान पे चले जाओ। दुकान पे? हाँ। अबे दुकान पे कैसे जाऊंगा, पुलिस? लेकिन दुकान से पुलिस का क्या लफड़ा? बस सारा लफड़ा था दुकान से या पुलिस का। शेख जी रुक जाना पुलिस। नमस्ते बैठिए। क्या बात है बोलिए। बोलना क्या, मैं शेख जी की दुकान पर गई थी, दुकान बंद मिली, मुझे एक फोटो बनवाना। अच्छा अच्छा फोटो बनाना है, ये बात है। शेख जी जरा बाहर आना। बोलो क्या काम है? बोलना क्या, मुझे एक फोटो बनवाना। फोटो? ना फोटो तो मैंने बनाने बंद कर दिया मैडम, अपने घर जाओ। देखो शेख जी मुझे बहुत जरूरी फोटो बनवाने, पैसे चाहे जितने ले लो। शेख जी बना क्यों नहीं रहे, खाओगे कहाँ से? ना अभी तो खाने को मिल रही है ना, अगर फोटो बना दी तो कहीं से उम्मीद भी नहीं है। शेख जी बहुत जरूरी फोटो है, आप चाहे 200 रूपए ले लो। नहीं। अच्छा 500 रूपए ले लो। नहीं बाबा नहीं, मुझे माफ करो। अच्छा 1000 रूपए दूंगी। अरे शेख चिल्ली बना क्यों ना रहा है फोटो, आई लक्ष्मी को लात मार रहा है, ऐसा कमा जाता है पैसा? अम्मी मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, ऐसी कमाई नहीं चाहिए मुझे। बना दे बेटा बना दे, पैसा पुलिस के काम आ जाएगा। अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं आपको 1000 रूपए दूंगी, मैं बड़ी परेशान हूँ। चले चल फोटो बना। ठीक है अम्मी अगर तू कहती है तो बना देता हूँ। मैडम फोटो लाई हो? अरे वाह जन्नती औरत। शेख जी ये लो 1000 रूपए, 500 के दो। शेख जी जल्दी जाओ फोटो बनाओ जल्दी से। बहुत जल्दी कर रही है। फोटो क्या राशन कार्ड पे लगवाओगी? नहीं जी नहीं, राशन कार्ड पे नहीं, अंतिम कार्ड पे लगवाना। अंतिम कार्ड? ये कौन सा कार्ड होता है? हमारे यहाँ होता है। अच्छा होता होगा। ये लो जी ये लो। मेरा नाम भी चंपा कली है। चंपा कली मैडम अब निकल लो, तुम्हें रोना भी है। शेख जी तुम ये क्या कह रहे हो, निकल लो। भाई बिना चुप हो जा, जो होना सो हो गया। अबे भाई 2 मिनट पहले तो भाई बिना तुम्हारी माँ कहीं से चिल्ली के पास फोटो खिंचवाने चले गई थी? भाई मेरी माँ तो सुबह से कहीं गई नहीं।
माँ जी, माँ जी, ये क्या हो गया माँ जी, ये क्या हो गया माँ जी, ये क्या हो गया माँ जी, माँ जी, माँ जी, ये क्या हो गया? माँ को मरवा दिया तूने, हैं? कहाँ गई थी तू? शेख चिल्ली के पास गई थी फोटो बनवाने के लिए, पैंट पे 1000 रुपए भी लेके गई थी, ले, ले, बताओ तेरे को अभी कहाँ गई थी? शेख चिल्ली के फोटो वाले मेरी माँ को मरवा दिया तूने, ले, ले, मेरी माँ को मरवा दिया तूने। शेख जी, मुझे ऐसे तुम चुप चुप अच्छे नहीं लगते, हंसा बोला करो। आज मैंने तुम्हारे लिए मुर्गा पकाया है, अब तो खुश हो जाओ। अरे बहू रुखसाना। जी अब्बू। अरे बेटा आज मुर्गा उर्गा पका ले, अब मेरा सेकू जो है ना अच्छा कमाने लगा। हाँ अब्बू, आज मैंने मुर्गा ही पकाया है, देखो ना शेख जी जब भी खुश नहीं हो रहे। अब्बू एक बात ले, अब्बू मुर्गा उर्गा तुम ही खाओ, मुझे तो मेरे हाल में छोड़ दो। खड़काओ सर, खड़काओ। शेख चिल्ली, शेख चिल्ली, दरवाजा खोलो। शेख चिल्ली, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। शेख चिल्ली। शेख जी, पुलिस। पुलिस? अब क्या होगा रुखसाना? अब्बू, अम्मी, अब क्या होगा? बेटा सेकू, तू ठहर, मैं देख के आता हूँ। देखा 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 देखा, अब्बू देखिए। बेटा सेकू, पूरे मकान को घेर लिया चारों तरफ से पुलिस ने। हाय अल्लाह, पुलिस ने घेर लिया, अब क्या होएगा अब्बू? अब तू एक काम कर बेटा, अपनी अम्मी के कपड़े पहन, तू अपनी अम्मी के कपड़े पहन और निकल जा बेटा। अम्मी के कपड़े पहन लूं? बेटा पहन ले। हाँ सेठ जी, अब ठीक कह रहे हैं। हाँ बेटा, चल जल्दी पहन ले। दरवाजा खोलो। हाँ चलो, अभी आ रही हूँ, आती हूँ। जा जा बेटा, जल्दी पहना दे। मैं कपड़े पहनने पड़ेगा अम्मी के भी, कैसे कैसे होएगी। चलो शेख चिल्ली, खोलते हो तोड़ दूं। अबू, अबू देख पहनी अम्मी के कपड़े। तो वो तो ठीक है, कम वक्त मुंह तो ढक ले। अबे दाढ़ी दिख रही है? अबू दाढ़ी दिख रही है कम वक्त? जा बेटा, जा निकल जा, जा बेटा निकल जा, जा खुदा हाफिज है तेरा। अबू, अब मैं लग रहा हूँ रफीकन से? हाँ हाँ जा तू, अब जा रफीकन की याद ना दिवावे। या अल्लाह, मेरे सेकू की हिफाजत। खोलो। खोल रही हूँ। दरवाजा खोलो। हरामजादे बहुत मुझ चला रहा, हरामजादे को लपाटे मारूंगी मुंह पे। आओ जल्दी करो, कम ऑन। आपने इतनी देर कैसे लगा दी दरवाजा खोलने में? नाने में गांठ लगी हुई। नहीं 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 नहीं, हाँ सलवार पहन रही थी। शेख चिल्ली कहाँ है? शेख जी अंदर है, अब्बू भी है, अम्मी भी अंदर है। आओ। हेलो सर। अंदर है साला, मुड़ के देख रहा। सर सर, शेख चिल्ली तो ये भाग गया। भाग गया? आओ पकड़ो शेख चिल्ली को, भागो जल्दी। आ जाओ साले, आओ सर जल्दी आओ। औरत लेगी साइकिल? इधर को। इधर को गई? पकड़ो, इधर को गई। साइकिल यहाँ पड़ी है, इधर कोई गया होगा, इधर गया होगा। इंस्पेक्टर जॉन, कम ऑन।
ये क्या है आसर? सलवार यारी यही कहीं है, चलो। सर दुपट्टा, दुपट्टा मेरा सलवार तेरा दुपट्टा, यही होगा शेख चिल्ली उल्लू का पट्टा। संभल के इंस्पेक्टर जय, मेरे शेख चिल्ली भी हाथ से निकल गया, खड़े हो जल्दी, गिरते रहते हो। कहाँ गया शेख चिल्ली? अभी तक तो यही था। सर सारा काम तो सर जी ने बिगाड़ा, ना ये गिरते ना वो भागता। अगर ये ना गिरते तो शेख चिल्ली अब के जरूर पकड़ा जाता। जी साहब जी। यही तो था, कहाँ गया? अगर जो इंस्पेक्टर जय ना गिरते तो आज उसे पकड़ ही लेते। इंस्पेक्टर जॉन ढूंढो उसे। साहब जी अगले बेटा आ जाओ, वो जा रहा। अबे जा रहा है तो पकड़ते क्यों नहीं, पकड़ो चलो, जल्दी चलो। जॉन कहाँ गया शेख चिल्ली? साहब जी इसने तो थका डाला जी, घुटने टूट गए, भगदड़ मचा रखी, हाथ नहीं आया। ओ ये रहा, पकड़ो पकड़ो। भागे सालों का फोटो बना दूंगा। आली 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 वाले वाले फोटो बनाता हूँ, मरता क्या नहीं करता, वैसे मैं मारना तो चाहता नहीं, वाले बनाता हूँ फोटो तुम्हारे। सर जी मेरे पैरों में लबसा मार रहा है कुछ। अभी देख कैसे कैसे लब मारोगे बेटा, मुझसे पंगा। अच्छा टांगो कह रहा था, इसकी धड़की बनाऊंगा। साहब जी मेरी कमर, मेरे धड़ में पता नहीं क्या हो रहा है, जान सी नहीं। अरे सब मुझको तो यही नहीं पता मैं कहाँ हूँ। जरूर शेख चिल्ली यू फोटो बना रहा है। शेख चिल्ली लेट है, लेट के सारे लेट साले तेरे से पूरी बनाता हूँ। अगर हथियार दे देते तो सुसरेगा उस समय इनकाउंटर कर देते। नहीं नहीं शेख चिल्ली को जिंदा पकड़ना है, जिंदा। शेख चिल्ली भाई फोटो मत बना, फोटो मत बना शेख चिल्ली। नहीं बनाऊ ले मिटा दी। ठीक है ले मिटा दी। शेख चिल्ली भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो। ओ बेचारे धोखा, सर जी भाग जाएगा, मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहा है, जल्दी भागो। पकड़ो भागने न पाए, पकड़ो पकड़ो। चलो चलो अंदर। साहब जी बिना हथियार के अंदर। हथियार हथियार हथियार, मुझे शेख चिल्ली जिंदा चाहिए, जिंदा। हथियार का अचार डालोगे? डालो
अंदर मत आ जाना नहीं सालो, अच्छा नहीं होगा। शेख चिल्ली बाहर आ जा, बाहर आ जा बाहर, नहीं तो इस खेत में आग लगा देंगे आग। हाँ बेटा तुम क्या सोच रहे हो शेख चिल्ली इतने आसानी से हाथ आ जाएगा? सालो जिम में जाता हूँ रोज सुबह 5 बजे, साले 200 रुपए ले हूं। वैसे नहीं भाग रहा मैं। नहीं आएगा बाहर, देख ले जिंदा नहीं बच पाएगा, इस आग में तू भी जलकर राख हो जाएगा। लगा दो आग, आग लगा दो, तुम सबका फोटो बना दूंगा। फोटो तेरी? एक भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। जा चले जाओ, मैं किसी को मारना नहीं चाहता मगर मरता क्या नहीं करता। जा चले जाओ, वापस चले जाओ। सर सर वो हमारे फोटो बना देगा। फोटो? सर मुझे अपना फोटो नहीं बनवाना, साहब जी आप ही अपना फोटो बनवा लो। सर जी मुझको भी अपना फोटो नहीं बनवाना। किसी को भी फोटो नहीं बनवाना? ठीक है शेख चिल्ली, अब हम जा रहे हैं, चलो। साला हाथ में तो आता नहीं हमारी, चंपत हो जाता है, कभी फोटो बना दे हमारी। साले ने पूरी भगदड़ करा रखी। अब्बू खाना खा लो, मैंने खाना बना दिया है। ना बेटा रुखसाना, मुझे नहीं खानी रोटी, तू ही खा ले बेटा। अब्बू मैंने सिर्फ आप ही के लिए पकाया है, मैं तो जब ही खाऊंगी जब शेख जी आएंगे। पता नहीं किस हाल में होंगे मेरे शेख जी। ठीक है बेटा रुखसाना, ठीक है। फंस गया, अगर बाहर निकला था पुलिस वाले नहीं छोड़ा, अगर यहाँ रात हो गई जानवर तेरी खाल को खा देंगे खोखो करके। हैं? मुझे तो भूख भी लग रही है और रुखसाना भी मेरे बगैर रोटी नहीं खाती। हैं? या मेरे मौला कुछ रास्ता दिखा दे, दिखा दे मेरे मौला कुछ रास्ता दिखा दे, ऐ मेरे साबिर पाक कुछ रास्ता दिखा दे। बीज जीवन में जैसा जो होता, फिरूं मैं जंगल में रोता, कहीं ना चैन मुझे होता। भगदड़ मैं हो लिया बेकार, सांस ठीक से आए ना मैं तो हो लिया लाचार। ओ
सांस ठीक से आए ना, मैं तो हो लिया लाचार। जंगल में रोता कहीं ना चैन मुझे होता। रुखसाना मुझको खाना भी खाना, अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो ले जाएंगे थाना। ओ अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो ले जाएंगे थाना। जंगल में रोता कहीं ना चैन मुझे होता। मुझे होता फिरूं मैं जंगल में रोता कहीं ना चैन मुझे होता। पड़े काट न बीज जीवन में जैसा जो होता, फिरूं मैं जंगल में रोता कहीं ना चैन मुझे होता। सफीक मियां। जी सर। इस जंगल में ये आदमी कैसे सो रहा है? ठीक है सर, देखता हूँ। सर ये तो मरा हुआ है। मर गया है? सफीक मियां। जी सर। इंस्पेक्टर जॉन, आप एक काम करो, आप यहीं बैठ जाओ, इसे कोई जानवर वगैरह ना खा जाए। हम अभी गाड़ी लेकर आ रहे हैं थाने से, और इसे थाने लेके चलते हैं। ठीक है सर। सर इस पे कपड़ा पड़ा डलवा दो। साहब जी हमारी ड्यूटी लगा गए हैं, आओ सर यहीं बैठ जाते हैं, बहुत थके हुए हैं ना। बैठ जाओ सफीक मियां। सफीक मियां, 2 घंटे हो गए सर अभी तक तो आए नहीं। आप ठीक है रहे हो सर? एक बात कहूँ? हाँ कहो। मुझे कुछ शक सा हो रहा है। तुम्हें शक हो रहा है? अरे सफीक मियां, मुझे पूरा यकीन है कि इसका फोटो जरूर शेख चिल्ली ने ही बनाया है। सर हम तो बच गए, नहीं तो हम भी वहां पर ऐसे ही पड़े होते। हाँ सही कह रहे हो तुम। सर बहुत देर हो गई, भूख सी लग रही है। हाँ भूख तो मुझे भी लग रही है सफीक मियां। ऐसा करते हैं, इतने सर आए इतने कुछ खा पी के आते हैं। हाँ सर आप ठीक कहते हो। इसे कौन उठाए के ले जा रहा है इस जंगल में, कौन आ रहा है? ये तो मरा हुआ है। चलो चलो कुछ खा पी आते हैं, साहब का तो कुछ पता नहीं। ओ
होगा। क्या जंगल में लाश? क्या मेरे मौला रैम फर्मा, मगर मैंने तो इसकी फोटो बनाई नहीं, कैसे मर गया? ओ भाई शेख चिल्ली, मैंने सुना अगर जंगल में मुर्दा मिल जाए उसे दफना देना चाहिए। मुझे भी दफना देना चाहिए इसे, या मेरे मौला मैं इसे दफना देता हूँ। अब घर को निकलता हूँ, रोजाना बाहर देख ली रहेगी। साले पुलिस वाले आ रहे हैं, होगा क्या करूं? होगा बस क्या से एक्चुअली फंस गया, अब क्या करूं? ओ बेटे आ गया आइडिया, इस कपड़े को ओढ़ कर लेट जाता हूँ, जब साले निकल जाएंगे उठ के निकल जाएगा। पागल माने से एक चिल्ली साले। अरे सफीक मियाँ, एक घंटे में तो हम लौट के आए हैं और सर अभी तक नहीं आए। चलो ऐसा करते हैं, बैठते हैं। ठीक कह रहे हो सर। साले ये तो बैठ गया, अब कैसे करूँ? मैं तो फंस गया बेटा, अब बचने वाला नहीं। या खुदा मैं फरमा, मैं भी लेटा रहूंगा बेटा, मेरा नाम भी सीएम सिंह है। अरे सफी मियाँ। जी सर। जरा एक बीड़ी पिलाओ। साहब इसमें तो दो ही बीड़ियाँ हैं और हमें रात भी काटनी। अरे कोई बात नहीं, लगाओ। वाह भाईजान, एक बीड़ी मेरी भी सुलगा लो। दोनों लेट गए, उबा मानता फोटो भी नहीं खींचा, बिना खींचे निकल गए। सालो पकड़ लो शेख चिल्ली को। साले बात सही है, जाको आके खुदा कर सकना कोई जुदा। आए साले शेख चिल्ली को पकड़ना। आए साले शेख चिल्ली पुलिस, बेटा बुरी तरह फंसा हूँ, लेट जाता हूँ। अबे ये कैसे सोए पड़े हैं? मुर्दे को चाहे कोई जानवर खा जाता। उठाओ इन्हें। सर ये सो रहे ना, बेहोश हुए पड़े हैं। बेहोश हो रहे तो इन्हें होश में लाओ। उठो, ओए उठो। सर शेख चिल्ली। चुप करो। अगर शेख चिल्ली का नाम लिया तो वर्दियां उतरवा दूंगा। चलो मुर्दे को उठाओ और वैन में डालो। ठीक है सर। ओए बेटा से, अब तेरा टाइम खराब आ गया, अब क्या करूं? आंखें बंद कर लेता हूं, जो होगा देखा जाएगा। या खुदा मुझे बचा ले मेरे खुदा, मुझे बचा ले। अरे अच्छा बच गया मैं तो। हवलदार सफीक सर, इस लाश का सर पंचनामा करके इसे अस्पताल भिजवाओ। सर इसका पंचनामा तो आप ही कर लो, मुझे तो डर लगता है। इंस्पेक्टर जॉन, इस लाश का पंचनामा तुम भरो। सर इसका कोई भी नामा मुझसे नहीं भरा जाएगा, मेरा तो खुद ही नामा खत्म हो चुका है।
शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, इस लाश का पंचनामा नहीं भर सकते। सर मैं तो बहुत थक चुका हूँ इस लाश को देखते देखते। सर सारी रात ड्यूटी करी है, नींद सी आ रही है, आप ही पंचनामा भर लीजिए। चुप रहो। दरोगाजी सलामुअलैकुम। शेख चिल्ली पकड़ो, उसे भागना नहीं चाहिए। भागने की कोशिश मत करना। दरोगाजी मैं तो भाग ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो इस भगदड़ में पूरी तरीके से थका पड़ा हूँ। दरोगाजी भगदड़ में थका पड़ा हूँ? सारे तू ही थका, हम ना थके, हम तो बड़े आराम में है ना। बेटा तेरी भगदड़ तो आज मैं निकालूंगा, तूने बहुत दौड़ाया है मुझे। सर एक लाठी देना। सर जी मुझे माफ कर दो, मैंने कोई आदमी जान के नहीं मारा। अबे सारे के सारे आदमी हमने मार दिए। नहीं सर आपने नहीं मारे, मैंने भी नहीं मारे, पता नहीं साले अपने आप क्यों मर गए। अच्छा ये तो तू बताएगा, तेरा बाप भी बताए। शेख चिल्ली तूने मेरी फोटो से फोटो बनाई थी, ये उसी की सजा है क्योंकि तूने मेरा कहना नहीं माना। बस बस साले मैं तेरा कहना क्यों मानूं, मैं का तेरा बाप का नौकर हूं साले। साले हमारे साहब को गाली दे रहा। बा भाईजान मैं तेरे साहब को गाली क्यों देता, मैं तो आवाज को गाली दे रहा हूं। आवाज को हमारे सर की आवाज निकालता है, मैं तेरी आवाज बंद कर दूंगा। शेख चिल्ली अब तू परेशान ना हो, तुझे बहुत सजा मिल चुकी है। बस साले मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो इतनी सजा फ्री में मुझे दी। अच्छा हमने तुझे फ्री में सजा दी है, तूने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। सुन अगर आज के बाद तू किसी का फोटो बनाएगा तो वो नहीं मरेगा, तू आजाद है। आत्मा भाई आपने मुझे माफ कर दिया, माफ कर दिया तुमने मुझे। भाई साहब आत्मा भाई ने मुझे माफ कर दिया, आप भी मुझे माफ कर दो। बेटा शेख चिल्ली कब से मैं तेरे पीछे भागा फिर रहा हूँ, मैं तुझे यूं ही माफ कर दूंगा। सर मेरी बात मानो, दरोगा जी मेरी बात मानो सर, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है दरोगा जी, मेरा कोई कसूर नहीं है। तेरा कसूर है कि तूने मेरा काम नहीं किया। आपका काम? कौन सा काम? शेख चिल्ली तुझे डाकू भीम सिंह का फोटो बनाना होगा, जब ही मैं तुझे माफ कर सकता हूँ। सर आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ इंस्पेक्टर जोन मैं सही कह रहा हूँ, डाकू भीम सिंह हमारे हाथ नहीं आया, इसलिए मैंने शेख चिल्ली से उसका फोटो बनाने का फैसला किया ताकि डाकू भीम सिंह मर जाए और हमें इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए, इसलिए मैं इसके पीछे पड़ा था। वाह सर जी वाह, मान गए आपकी अकल को, हमारी तो ये अकल में बात ही नहीं आई। सर अब मेरे फोटो बनाने से कोई नहीं मरेगा। क्या कहा? हेलो इंस्पेक्टर उत्तम कुमार स्पीकिंग। सर जी 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 सर, ठीक है सर। यस सर यस सर यस सर, ओके सर, थैंक यू सर थैंक यू। मुबारक हो सर, मुबारक हो। ठीक है सर, जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद सर। क्या बात है सर, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। आइल की डाली का फोन आया। अरे चुप रहे। शेख चिल्ली अब तुम्हें फोटो बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिस डाकू भीम सिंह के पीछे हम पड़े थे वो डाकू
दूसरे इलाके में एनकाउंटर में मारा जा चुका है। सर अब हमारी दोनों परेशानियां खत्म हो गई। शेख चिल्ली भी हमारे कब्जे में है और उधर वो भीम सिंह भी मारा गया। मारा गया मर जाने साले को। सर अब तो मुझे जाने दो ना, रुखसाना पार देख रही होगी। हाँ शेख चिल्ली अब तुम आजाद हो। सर मुझे एक बात का सारी उम्र दुख रहेगा। वो क्या? हमारी तो सारी की सारी भगदड़ बेकार हो गई। तुम्हारी भगदड़ कैसा हो जाएगी खराब? सर किसी की भी भगदड़ खराब नहीं हो सकती। इसी भगदड़ के चक्कर में तो डाकू भीम सिंह मारा गया। यह है शेख चिल्ली की भगदड़।